यशोधरा नगर पोलीस स्टेशन हद्दीत शुक्रवारी 6 आरोपींनी एका वरातीत राडा घालत हवेत गोळीबार केल्याची खळबळजनक घटना उघडकीस आली असून पोलिसांना 6 आरोपींना अटक करण्यात यश आले आहे. शुक्रवारी रात्री 10 दरम्यान यशोधरा नगर पोलीस स्टेशन हद्दीतून एक वरात पाचपावली येथे जात असताना 6 आरोपी घटनास्थळी आले आणि वराडींना मारहाण करत हवेत बंदुकीचे 2 राऊंड फायर केले. घटनेची माहिती मिळताच तात्काळ पोलिसांचे 3 पथक तयार करून आरोपींच्या शोधावर लावण्यात आले. घटनेच्या 4 तासांच्या आतच 6 आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून त्यांच्याकडून 2 राऊंड फायर केलेली बंदूक, 1 चाकू, 2 मोटरसायकल असा मुद्देमाल जप्त केला आहे. प्राथमिक तपासात समोर आले की हे आरोपी शहाबाज नावाच्या इसमाला शोधत होते. शहाबाज आणि आरोपींमध्ये व्हॉट्सअप स्टेटसवरून वाद झाले असता त्यांनी इतक्या करिता वरातीत गोंधळ घालत राडा घातला. तसेच वरातीत एक वराडी किरकोळ जखमी झाला असून कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही अशी माहिती IPS मनीष कलवानिया यांनी दिली. ये कल 10:15 बजे की घटना है. ये शोधरा नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत खाना खजाना जो ढाबा है उसके सामने से ये बारात जा रही थी. बारात जो है मोहम्मद रफ़ी चौक पाचपावली एरिया में जाने वाली थी. वहाँ से जब बारात जब गुजर रही थी तब उस समय पे कुछ 6 आरोपी वहाँ पर आए और किसी पुराने उनका झगड़ा था. शहबाज नाम का एक लड़का है उसके साथ में उनका व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर से कुछ वाद था जिसकी वजह से ये लोग वहाँ पर आए और शहबाज को ढूंढ रहे थे और वहीं पर इनकी हाथापाई शुरू हो गई जो बाराती थे दूसरे उनके साथ. और इसी दौरान जो ये 6 आरोपी आए थे इन्होंने हवा में 2 राउंड फायर किए हैं. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने इमीडिएटली 3 पथक तैयार किए और सभी आरोपियों की शोध के लिए और हथियार की शोध के लिए उनको रवाना किया गया. और 4 घंटे के अंदर सभी 6 आरोपी और 1 फायर आर्म जिससे कि 2 राउंड फायर किए गए थे, फायर आर्म के 2 खाली केस और 1 चाकू और 2 मोटरसाइकिल जो गुने में यूज़ की गई थी ये सभी पुलिस ने बरामद किया है. अभी उसका आगे इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन चालू है, आगे की कार्रवाई की जाएगी. क्योंकि बारात में सभी उनके रिश्तेदार थे तो जिसको एक विक्टिम है जिनको पैर पे चोट लगी है चाकू से वार हुआ है उनकी जांघ पे, वो दूल्हे के कज़न ब्रदर हैं.